मैं सुबह उठते से गहरी सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को टट्टी और भूख दोनों साथ में लगती है। सुबह उठते से मैं बैठे बैठे सोचे जा रहा हूँ कि पहले क्या करूँ। मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है ये दोनों चीजें। फालतू फालतू की बातें आ रही है मेरे दिमाग में कि क्या मैनेजर रख लिया जाए इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए। इतना सोच विचार करने के बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि पहले थोड़ी देर बैठ के नाश्ता पानी हो जाए। ले किराने की लिस्ट बना दो। हाँ मम्मी को मैं एक सेकंड भी फ्री दिख गया ना कुछ फालतू काम बता देंगे। तू फ्री कैसे बैठा है? जो चांद देख के छत पे से निकला है कि नहीं? अरे पर उठ उठ चल फटाफट। तो आ गए फिर से। तो मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेकू बोलात पैदा हो गई है यार, वापिस से अंदर घुसा दे क्या इसको। इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने। मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख बेको ही था, क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में अंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था, मतलब अभी भी करता हूँ। क्यों मम्मा आज खाने में नहीं, ब्लाउज पूजा आंटी के यहाँ देके आता था। और रस्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना, ठीक है? अब मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था। गाय 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 ये ले आंटी जी, पूजा आंटी को रोटी डाल दी। बेचारे पूजा आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। देख इधर देख, देख मेरी आंखों में। अरे देखना, देखो मैंने तेरा दिमाग फेंकने का तो बोला ही नहीं था कहीं पे, तो तू कहाँ पे फेंक गया है बेटा? कहाँ पे फेंक गया है? तू पूजा आंटी के रोटी डाल के आया है तो फिर ब्लाउज कहाँ पे? वो कहाँ पे? हाँ हमारा दूध वाला इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि आखी कॉलोनी के लोग तपेली ले लेके आ जाते थे बाहर। कितना? सवा। पानी डाल जल्दी। वैसे ब्लाउज के लिए थैंक्स, फिटिंग वगैरह बढ़िया आ गई एकदम। अंदर आके मैं मम्मा को देख रहा हूँ तो वो उसमें अलग से थोड़ी भर का पानी मिला रहे। एक बार हम खाना बना रहे थे और चेट गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको कहीं? रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। 500 बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। अब गैस हाँ, मेरे पापा तो कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसी टाइम चालू हो जाते, उसी टाइम। उनको वेट नहीं करना है, हाथ तो हाथ सुनाएंगे वो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? तो पापा वहाँ आके कितनी बार समझा दी मैंने तेको एक ही चीज के क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे से। पर नी अपने को पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास, तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। हाँ ऐसे ही है वो। तो मम्मा को चेट गई वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा? एक तो मैं बरगंडी कलर बोला था, काला डूस लेके आ गया यार ये। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं, ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूले इजालियो हरे दुपट्टे वालियो टू 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 टू। चलो टू 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 टू। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? हाँ मम्मा ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे अरे गया क्या? वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं, बांस उठा वो पूरा एठ वाला। ऑफिस से फोन क्या आ रहा है? टाइम कितना हुआ है? अरे यार आज की तनख्वाह काट देगा यार मेरी ये, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बिनोमो पे आज ही एक्स्ट्रा इनकम चालू करो। बिनोमो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है सुपर इजी, जो कि तुम फोन कंप्यूटर कहीं से भी कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट खाली 840 रुपट्टी है, इसमें खाली तुमको ये ग्राफ फोरकास्ट करना रहता है, जैसे मैंने अभी बोला ऊपर जाएगा नीचे अभी जैसे ऊपर चला गया, ठीक है? और मैंने बड़ी आसानी से लमसम पैसे कमा लिए, ये ले तू भी ऐश कर। चलो
आई एम फायर्ड। और ये तो ठीक है, अगर तुम बिनोमा VIP बन गए फिर तो तुमको एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स और ऑफर्स भी मिल जाएंगे जिससे तुम्हारा प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। ये अभी अभी खुद को फायर करके गया ना। और एक और बात ध्यान रखना, बिनोमा जो है ना वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसपे 24/7 कस्टमर सपोर्ट है और मर्जी पड़े जब विड्रॉल कर सकते हो तुम तुम्हारे पैसे। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुम लोग बिनोमा ट्राई कर सकते हो। मैं नहाने जा रहा हूँ। अब मेरे को नहाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस साबुन से है जिसपे से मेरे को एक एक बाल खुरेद के अलग करना पड़ता है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि मेरे घर वालों में से किसी का भी बाल नहीं है ये, क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पे हो ही नहीं सकता यार, ये बाल की साइज देख, जरूर तेरी मम्मी का तो हो ही नहीं सकता ये, है ना? ठीक है, मेरा ही होगा। तो ये फन एक्टिविटी चली रही होती है, इतने में बहुत दुख होता है जब अपना कोई इतना करीबी साथ छोड़ के जाता है। मेरी चड्डी ने बाल्टी में कूद के आत्महत्या कर ली है और अभी वाली चड्डी मैं ऑलरेडी गीली कर चुका हूँ। ये सब होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अलग ही लेवल का मजा है वो गर्मा गर्म चड्डी पहनने का। हमारे घर पे आए दिन रिश्तेदार आते रहते हैं। बेटा मम्मी किधर है? या तो नहीं है, चलो आ जाओ अंदर ढूंढते। इन लोगों का मेन मकसद होता है चाय पीना, ये इसीलिए आए हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे फसर के तुम्हारे घर पे। और चाय वगैरह कुछ? अरे मन तो नहीं था, पर अभी चाय की टोक लग गई है तो अब मना नहीं कर सकते। बना दे दो बेटा 2 कप। आप पियोगे? 3 बना देना। अब देखो एक्सपर्ट टिप मिल रही है तुम लोगों को, कभी भी कोई रिश्तेदार आए और तुमको चाय बनाने का बोला जाए ना, तो ऐसी ढक्का ढोर चाय बनाओ ना जितनी बेकार तुम बना सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करो बेकार बनाने की, क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छी चाय बना दी ना तो अगली हर बार तुमको बनानी पड़ेगी। तो आधे घंटे तक बैठ के हंसी ठिठोली करने के बाद इन लोगों के पास कुछ टॉपिक बचे नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मी चालू होती है, और आपको तो पता ही होगा अपना हार्डी लई छोरे को बचपन से कब्जियत की बीमारी हो रही है, और आज भी मेरे को याद है कि लई छोरा जोर लगा लगा के थक जाता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मजा आते ये बात बता के सबको। चीकू तो काम धंधे में ही लगा रहता है यार, वो बच्चों को गाइडेंस करता है। गाइड? हाँ वही सेल्समैन है इनका छोरा। अरे यार खरीद लो ना हमारा कोर्स, 50,000 का तो है। और तो और बेटा तुमको एक चमचमाता हुआ टैबलेट भी मिलेगा, उसके 50,000 अलग से लगेंगे, पर एक बार सोचो उसके अंदर तुम दिन भर सबवे सफर खेल सकते हो। कर दूं क्या कंफर्म? नहीं लेना। ये गाइडेंस कर रहा है इनका बेटा। उसके बाद ये आदमी तुमको अलग अलग नंबर से फोन करके इतना परेशान कर देगा ना, तुम गिल्ट में चल जाओगे कि उस दिन जरा से नोट्स की लालच में आके इनकी वेबसाइट पे फोन नंबर डाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इतने बच्चों का ब्रेन वॉश गाइडेंस कर दी ना कि प्रमोशन मिलने वाला है उसको। मेरे को अलग ही चिड़ छुटती भाई कोई मेरे सामने शो ऑफ करता है तो। मेरा तो मन हो रहा था कि जाके तिजोरी में से ये लो आंटी जी चाय। अब तो सब ठीक है ना बेटा, कब्जियत वगैरह? हाँ हाँ। और ये एक बार टच नहीं, दूर 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 दूर। ये ले बेटा प्रसाद। हाँ, मेरे दादी जी आधी आधी रात में उठ के आश्रम जा रहे हैं और ठेठ दोपहर में आ रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाके झाड़ू लगाने में। और हर रोज एक पताशा लेके आ जाते थे आश्रम से, जो कि पूरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। स्मगलिंग चालू कर दी थी हम लोगों ने पताशों की। महीने के आखिर में जैसे ही वो बोरा भराता था हम लोग उसको वापस बेच के आ जाते थे आश्रम वालों को ईच। ये कब कर रहे हो तुम लोग? दादी जी की ऐसी हरकतों की वजह से घर में कलेश होने लग गए थे। कमर दुख रही यार। दुखना ही रही वो तो। आधी आधी रात को उठ के झाड़ू पोछे से लगाने जा रहे, घर में इनको जरा सा काम बता दो ना उसमें धड़ी भर का जोर आ जाता है। तो वहाँ कोई हम लोग काम वाम नहीं करते, सेवा करते हैं। यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। अरे भैंस मत करा कर मेरे से। फाइनली डिसाइड होने जा रहा है कि इस घर में कौन रुकेगा, दादी? हाँ मैं। ये पतासों का पूरा जोर दिखाते हुए। या मम्मी? ये मम्मा, ये आटे के साथ क्या कर रहे हो? 1, 2, 3,
तेरी मम्मी को बोल देना कि मैं आज कोई खाना वाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है, ये ले। हाँ, मैं तो ऐसे भी नहीं बनाने वाली हूँ। आप आपके आश्रम में जाके ठूसते रहना पता से भर पेट, ऐसा बोल के आ जाता हूँ इनको। हाँ, तो ये पॉइंट जाता है मम्मी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैं नहीं कर रही यार। फिर ये दोनों छाने माने बैठ जाते हैं अलग अलग कोने में। बेचारे पापा थके हारे आ रहे काम से। मैं आ गया। किधर है यार सब लोग? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ये दो फिर से लड़ लिए क्या? अरे चलो मेरे को बताओ क्या हुआ, जाके उससे ही पूछ लेना। अच्छा चल तू बता दे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, देखो तुमने देखा ना यहाँ पे। रुला दिया मम्मा को। अब देखो लड़ाई झगड़े चल रहे, हाथापाई पे बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो। मम्मा खाना तू खा ले, मैं तो नहीं खा रही। बना तो दो। हाँ यार भूख लग रही, मेरे को सुबह भी टिफिन नहीं दिया। हाँ मेरी तो गलती है सब। ये रोई नहीं इस बार है ना? ये बोला ही था मैंने तो। फिर से रुला दिया मम्मा को। क्या मजे क्या आते आपको? वाह मैं तो जा रही हूँ, मेरे आश्रम जाने का टाइम हो गया है, सेवा करनी है मेरे को। अब तुम लोगों को मेरा साथ देना है एक योजना में, जिसमें तुमको घर घर जाके मेरी वीडियो दिखानी है लोगों को, और इस योजना का नाम होगा लाडली वीडियो योजना।